चलते चलते आपके पैर में मोच आ गई या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते वक्त आपकी मसल स्ट्रेच हो जाती है तो आप क्या करते हो? हम इस्तेमाल करते हैं क्रेप बैंडेज का, जिसे आम भाषा में गर्म पट्टी के नाम से जाना जाता है। ये सुनने में तो काफी आम लगती है, लेकिन ये हर घर में इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ घर ही नहीं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। यानी कि साफ और सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये फर्स्ट एड बॉक्स की एक बेसिक नीड है और मार्केट में इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नमस्कार, मैं सुगंध आनंद, IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। IID हर बार आपके लिए नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज लेकर आता रहा है और इस बार भी मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच क्रेप बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट के तौर पर मिस्टर सतपाल सिंह जी, जो हमें इस पूरे प्रोसेस को समझाएंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सतपाल सिंह जी का और उन्हीं से जानते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। वेलकम टू IID सर। वेलकम मैडम। मैडम, मैं आपका और IID का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो इतना बड़ा प्लेटफार्म मुझे आज IID ने पेश किया है। मैडम, मैं आपको अपने जितने भी क्रैप बैंडेज के प्रोसेस हैं, कितने प्रोसेस से ये क्रैप बैंडेज तैयार होती है, वो मैं अभी आपको लेकर ऊपर चलता हूँ। हर डिपार्टमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग क्रैप बैंडेज तैयार करते हैं, कितना इसमें जो है मुश्किलों का सामना है, कितना आसान काम है, ये वो आप देख के खुद ही महसूस करेंगी। आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको प्लांट दिखाता हूँ। सर, जाने से पहले, प्रोसेस को समझने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करी? मैडम, 95 में मेरे दिमाग में आई कि भाई मैं कोई व्यापार करूँ, क्योंकि मैं इससे पहले शुगर मिल में नौकरी करता था। तो मेरा छोटा भाई इस बिजनेस में लगा हुआ था, उसने साल दो साल पहले ये चालू करा था एक मशीन से, लेकिन उससे चल नहीं पाया, उसने ये बंद कर दिया। तब मैंने जाके ये देखा कि भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जो मेरा भाई सॉल्व नहीं कर पा रहा और इस प्लांट को क्यों नहीं चला पा रहा। तो जब मैंने देखा तो उसे अच्छी तरह समझा और कंपनियों में भी जाके मैंने देखा और समझा, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा भाई कुछ कमियाँ कर रहा है जिसकी वजह से ये प्लांट नहीं चल पा रहा। तो फिर मैं उसके साथ में जो है लग गया और मैंने ये प्लांट सन 95 में दो मशीनों से स्टार्ट करा था। मैडम, आज मेरे पास में जो है 50 मशीन वीविंग की लगी हुई हैं और मैं इस प्लांट को बराबर स्मूथली चला रहा हूँ। हर साल इससे डेवलपमेंट में मैं लाता हूँ, मैं बैक में इस प्लांट को नहीं ले जा रहा। आने वाले समय में भी मेरा ये है कि 5 साल में इसका जस्ट डबल प्लांट में लगा के तैयार करूँ। सर, आपकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है और मैं ये आशा करती हूँ कि हमारे जो नए यंगस्टर्स हैं वो भी आपसे इंस्पायर हो और इस बिज़नेस को शुरू करें। तो चलिए, आइए अब आपको लेकर चलते हैं प्रोसेस की तरफ और सर से समझते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होगा। आइए अब हम समझते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से क्रेप बैंडेज को बनाया जाता है और पहला प्रोसेस क्या होता है। सर, मैं चाहती हूँ कि आप प्रोसेस के बारे में बताएं कि क्रेप बैंडेज को किस तरह से बनाया जाता है। मैडम, सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम जो है इस तरह का रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करते हैं और ये आने के बाद में जब कंपनी के अंदर ये आ जाता है तो उसके बाद में जो है इस शेप का बना लेते हैं, दो धागे एक जगह मिलाकर, इस वाइंडर पे ये दो धागे एक जगह मिलकर बन जाता है। और उसके बाद में फिर हमारा सेकंड प्रोसेस शुरू होता है, वो मैं बताता हूँ मैडम सेकंड प्रोसेस किस तरह आता है। अब मैंने अभी फर्स्ट प्रोसेस के बारे में बताया, सेकंड प्रोसेस वो गोला इसमें डालते हैं, इसमें डालने के बाद में इसके अंदर ट्विस्ट लगते हैं,
जो हम एक इंच में कम से कम 44 ट्विस्ट देते हैं, एक इंच की लंबाई में 44 ट्विस्ट देते हैं, और वो उसके बाद में बन के ये तैयार हो जाता है। ये इसके अंदर इलास्टिकसिटी आ गई इस धागे के अंदर, ये सेकंड प्रोसेस है ये रहे। और सेकंड प्रोसेस जब हमारा तैयार हो जाता है तो अब चलते हैं थर्ड प्रोसेस की ओर। सर, थर्ड प्रोसेस पे जाने से पहले इस रॉ मटेरियल की खासियत क्या है? ये मैडम प्योर कॉटन है, 100% कॉटन होता है, और इस यार्न का नंबर होता है 30 यार्न का नंबर हम मार्केट से परचेज करते हैं और उसी से क्रेप बैंडेज डेवलप करी जाती है। जैसे कि सर अभी आपने साइज की बात करी थी, तो क्रेप बैंडेज कितने साइज में आती है? ये चार तरह का होता है। पहला साइज सबसे जो स्मॉल साइज होता है वो 6 cm होता है, सेकेंड नंबर पर होता है 8 cm, थर्ड नंबर पर होता है 10 cm, और फोर्थ नंबर पर होता है 15 cm। तो जैसे कि आपने इनके साइजेस के बारे में बताया, अब ये जैसे 6 cm का आपने बताया, वो कहाँ यूज होता है, कौन से बॉडी पार्ट पे यूज होता है? सबसे छोटे हिस्से पे यूज होता है, जैसे कि उंगलियों में चोट लग जाओ फिंगर में, और ये हाथ में लग जाओ, वो सबसे छोटा साइज होता है, या फिर पंजे में लग जाओ पैर के, तब वो 6 cm लगता है वहाँ पर। इसके बाद में 8 cm है, वो उससे बड़े पे कोहनी पे लग जाओ और शरीर के बाजू के किसी भी हिस्से पे लग जाओ तो वो 8 cm होता है। 10 cm जो है वो घुटने पे ज़्यादा यूज होता है, नी पे, और 15 cm जो है वो चेस्ट वगैरह के लिए होता है, चेस्ट के लिए बांधने। तो चलिए सर, अब चलते हैं थर्ड प्रोसेस पे और समझते हैं कि क्रेप बैंडेज का तीसरा प्रोसेस क्या है। तो अब हम आए एक सबसे अहम प्रोसेस पर, जहां ये धागा एक कपड़े का रूप ले लेता है और जिसके बाद तैयार होती है क्रेप बैंडेज। तो आइए सर से ही समझते हैं। हाँ मैडम, ऐसा है कि इसे बोलते हैं वार्पिंग मशीन। कोई भी शूटिंग सेटिंग हो, कोई भी किसी तरह का पूरी दुनिया में कपड़ा बनता हो, बिना इस प्रोसेस के कपड़ा नहीं बनता। ये वार्पिंग मशीन है, इसे देसी भाषा में ताना बाना मशीन भी बोलते हैं, जो एक ताना बनाती है बाना बनाती है, तो इसे ताना बाना मशीन भी बोलते हैं। मैडम इसकी एक स्पेसिफिकेशन है, इसमें हम एक इंच में, एक इंच की चौड़ाई में 42 धागे डालते हैं। अगर 6 इंच की चौड़ाई में हम क्रेप बनाना चाहते हैं तो 42 × 6 यानी कि 42 × 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें वार्प आ जाते हैं, उतने वार्प हम इसमें डाल देते हैं। और अगर हमने 10 cm की बनानी होती है क्रेप, तो 10 cm × 42 धागे डालते हैं। अगर 8 cm बनानी होती है तो और कम धागे हो जाते हैं, 8 × 42 जितने धागे आए वो इसमें डाल देते हैं। और अगर 6 cm की बनानी होती है तो इसी प्रोसेस में जो है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 42। ये एक इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो अगली स्पेसिफिकेशन मैं बताऊंगा, ये तो ताने की स्पेसिफिकेशन है। इसी हिसाब से ये ताना बनाया जाता है, धागे गिन के डाले जाते हैं और उसकी नॉर्म्स पूरी हो जाती है बीपी क्वालिटी की। ये बीपी क्वालिटी की स्पेसिफिकेशन है जो मैं आपसे मैडम बता रहा हूँ। इसके बाद में मैं आप चौथे प्रोसेस की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पर ये वीविंग होता है। पहले ये बनता है, पूरा रोल इसे तैयार करते हैं और उसके बाद फिर ये मशीन पर वीविंग के लिए जाता है, दैट्स ऑल। तो ये था वार्पिंग प्रोसेस, जिसको सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वार्पिंग प्रोसेस आपको भी काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इन्हीं धागों की वजह से एक कपड़ा, जैसा कि सर ने बताया कि कोई भी कपड़ा हो इन्हीं धागों की वजह से तैयार होता है, और इन्हीं धागों से यानी कि इस कॉटन से ही तैयार होता है हमारा क्रेप बैंडेज। हाँ मैडम, ये फोर्थ प्रोसेस है जहाँ पे हम कपड़ा तैयार करते हैं, इस शेप में ये कपड़ा तैयार हो। मैडम इसके अंदर इसकी लंबाई में, विड्थ में, एक इंच में 14 TPI डालते हैं, यही बीपी की स्पेसिफिकेशन है। जैसे मैंने ताना मशीन में बताया था वार्पिंग में कि 42 × 15 मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तो वार्पिंग में धागे आते हैं, और विड्थ में इसकी में धागे आते हैं, एक इंच की लंबाई में 14 पिक आती है। अब ये इस तरह जो है पूरा ये क्रेप बैंडेज, ग्रे क्रेप बैंडेज तैयार हो गई। और इसके बाद में ये तैयार होने के बाद में कट के ऊपर डाइंग, जो मैंने बताया है आपसे, डाइंग में चली जाती है, वहाँ डाइंग का प्रोसेस तैयार हो जाता है। यही इसका प्रोसेस है बनाने का, और ये निडिल लूम है, निडिल लूम पे ये बनाई जाती है।
तो फाइनली अब हमारी क्रेप बैंडेज जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है और अब अगला जो प्रोसेस है वो है डाइंग का। यहाँ पर तैयार हुई क्रेप बैंडेज की डाइंग की जाती है और साथ ही यहीं पर इनको ड्राई भी किया जाता है, यानी इन्हें सुखाया जाता है। तो चलिए आइए अब सर से ही समझते हैं कि डाइंग किस तरह से होती है और ये ड्राई किस तरह से किए जाते हैं। हाँ मैडम, ऐसा है कि ये डाइंग होकर इस तरह की शेप में आ जाती है। डाइंग करने के बाद में हल्दी के अंदर कलर पड़ा हुआ है, इस शेप में इसे बना लेते हैं। इस शेप में बनने के बाद में ये हमारा फिफ्थ प्रोसेस है। फिर उसके बाद में ये इस तरह की जो है इसकी तय करी जाती है, जो ये लेडीज कर रही हैं। इसे करने के बाद में मैडम इसे जो है ड्राई करा जाता है ताकि इसका मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए। तो ये ड्रायर मशीन है? ड्रायर मशीन है ये। जब ये इस तरह की शेप में जो है क्रेप बैंडेज तैयार हो गई, तो अब इसके अंदर मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा, तो किसी भी तरह ये सूखने में हमें काफ़ी टाइम लेगी। अगर हम डायरेक्ट इसे ऐसे ही सुखा देते हैं तो हमारी हीट एनर्जी ज़्यादा लग जाएगी। तो उससे पहले हम इसे ड्रायर के अंदर इसका मॉइस्चर निकालते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रायर मेरा इधर लगा हुआ है। हाँ, तो ये ड्रायर के अंदर इसे लगा देते हैं और ड्रायर के अंदर लगाने के बाद में करीब 3 मिनट इसे ड्रायर के अंदर हम घुमाते हैं और घूमने के बाद में ये इस तरह की शेप में तैयार हो जाती है। मॉइस्चर निकलने के बाद ये हो, ये मॉइस्चर निकलने के बाद तैयार हो गई। अब इसके अंदर 25% मॉइस्चर रह गया, वो हम इसे फिर चैम्बर में ले जाते हैं, जो मैंने दिखाया आपको, चैम्बर में इसे सुखा देते हैं और वो सूख पे माल तैयार हो जाता है। तो फिफ्थ प्रोसेस हमारा इस तरह तैयार हो जाता है। सर, इस ड्रायर में एक बार में कितने पीसेस को ड्राई किया जा सकता है? मैडम, इसके अंदर आ जाते हैं करीब 500 पीस आते हैं हमारे ड्रायर के अंदर, और 10 cm के, और 300 पीस आते हैं 15 cm के, और 8 cm के आ जाते हैं करीब 800 पीस, और 6 cm के आ जाते हैं 1000 पीस, क्योंकि वो छोटा साइज होता है। तो जितना छोटा साइज होगा उतनी क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है पीस। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि किस तरह से क्रेप बैंडेज की डाइंग हो रही है और किस तरह से इन्हें सुखाया जा रहा है, यानी ड्राई किया जा रहा है। तो चलिए अब आइए लेकर चलते हैं आपको अगले प्रोसेस की तरफ, जो है पैकेजिंग। अब हम आए अपने आखिरी प्रोसेस पर, जो है पैकेजिंग। ये पैक होने के बाद आप तक पहुंचता है, तो चलिए आइए सर से ही जानते हैं कि इसकी पैकेजिंग वो किस तरह से करते हैं और क्या क्या सेफ्टी का वो ख्याल रखते हैं। हाँ मैडम, मैंने आपको 5 प्रोसेस पहले दिखाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये छठा प्रोसेस है। छठे प्रोसेस पे क्रेप बैंडेज इस शेप में तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। और ये एक PVC के कंटेनर में, जिसके अंदर हम अपना रैपर ब्रांड नेम लिखते हैं, वो डालते हैं, MRP होती है, एक्सपायरी डेट होती है, और ये इस तरह जो है इसे पैक कर देते हैं फाइनल मार्केट में भेजने के लिए। ये इस तरह जो है मार्केट में जाने के लिए ये रेडी हो गया। अब इसके पास इसका कोई प्रोसेस नहीं बचता, सिर्फ मार्केट भेजने का ही प्रोसेस है। वो हम अपने तरीके से मार्केट में भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट से या खुद ले जाके, तो ये मार्केट में पहुँच जाता है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये क्रेप बैंडेज वो वन टाइम यूज है या फिर इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको बार बार यूज करते हैं, तो आप एक अवेयरनेस भी लोगों को बता सकते हैं कि ये वन टाइम यूज है या फिर आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। हाँ मैडम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ज्यादातर लोग इसे कई कई बार यूज करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वन टाइम यूज की चीज है। वन टाइम किस लिए होती है मैडम? ये प्योर कॉटन है। प्योर कॉटन जो होती है, इसके अंदर हम इलास्टिकसिटी देते हैं मशीन के द्वारा, जो मैंने सेकंड प्रोसेस में आपको दिखाई थी। ये इसके अंदर फ्लेक्चुबिलिटी है, इलास्टिकसिटी बनी हुई है। जब हम इसे इस तरह बांध लेंगे और ये अपने मूवमेंट पे इसी तरह 2 दिन या 3 दिन बंधी रहेगी, तो इसकी इलास्टिकसिटी ख़त्म हो जाती है, और इलास्टिकसिटी ख़त्म होते ही फिर ये कपड़ा हो जाता है, फिर इसका कोई यूज नहीं है। अब बांधने के लिए लोग 4 बार बांधे या 5 बार, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। ये वन टाइम यूज की चीज़ है। जिस तरह सिरिंज से एक बार इंजेक्शन दिया जाता है फिर फेंक दी जाती है, वही प्रोसेस इसका। तो ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ वन टाइम यूज है? मैडम, इसकी इलास्टिक खिंच जाती है अपने उस पे बेस पे, ये इतनी खिंची हुई बंधी हुई चेस्ट पे रहेगी, तो ये फिर वापसी नहीं आती, ख़त्म हो जाती है, फिर इसका मूवमेंट करना ख़त्म हो जाता है, फिर ये इस तरह खिंच के ख़त्म हो जाती है, फिर इसका यूज नहीं होता। तो ये था हमारा आखिरी प्रोसेस, जहां पर हमने आपको दिखाई पैकेजिंग की, क्रेप बैंडेज की पैकेजिंग किस तरह से की जाती है। आप भी इसी तरह से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसी तरह से आप भी क्रेप बैंडेज की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं।
जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी वहीं पर अब हम इस वीडियो का अंत भी कर रहे हैं। और आज IAD ने आपको क्रेप बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताया कि आप भी इस बिजनेस को किस तरह से शुरू कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मिस्टर सतपाल जी का, जिन्होंने काफी अच्छे से, काफी बारीकी से इस बिजनेस के बारे में हमें बताया और एक एक प्रोसेस को काफी अच्छे से हमें समझाया है। तो थैंक यू सो मच सर IAD के साथ जुड़ने के लिए। मैडम, मैं सतपाल सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ और IAD टीम के जितने भी मेंबर्स यहाँ आज मेरी फैक्ट्री देखने के लिए आए हैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, साथ में IAD का धन्यवाद करता हूँ मैडम, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर सतपाल जी, जिन्होंने सारे प्रोसेस को समझाया। इसी तरह से IAD आपको नए नए बिजनेस आइडियाज की जानकारी देता रहेगा, तो जुड़िए रहिए हमारे साथ। अगर आपको कुछ नए बिजनेस आइडियाज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।